यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका चाहता है कि भारत रूस का साथ ना चुनकर अमेरिका को चुने, लेकिन भारत अपने खास दोस्त रूस से दगाबाजी नहीं करेगा। अमेरिका ने रूसी हथियारों को लेकर भारत को एक बार फिर धमकी दी है। अमेरिका का कहना है कि भारत रूस से रक्षा खरीद में कमी लाए, ये उसके ही हित में होगा। रूस से भारत सबसे ज्यादा संख्या में हथियारों की खरीद करता है, जिसे अमेरिका ने कभी भी पसंद नहीं किया है। बाइडेन के टॉप आर्थिक सलाहकार ब्रायन डीज ने कहा कि भारत रूस का साथ छोड़ दे, नहीं तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी ओर अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत आगे चलकर रूसी सैन्य उपकरणों पर अपनी निर्भरता को कम करेगा। ये सुनिश्चित करने के लिए भारत के साथ हम काम कर रहे हैं। ऑस्टिन ने ये भी कहा कि रूस के हथियारों में निवेश जारी रखना भारत के हित में नहीं। अमेरिका चाहता है कि भारत रूसी सैन्य उपकरणों पर अपनी निर्भरता कम करे। ऑस्टिन ने कहा कि हमारी मांग ये है कि भारत उन इक्विपमेंट्स को खरीदना कम करे जिनमें वो निवेश कर रहे हैं, और बल्कि उन इक्विपमेंट्स को खरीदे जो ज़्यादा हमारे लिए अनुकूल हैं। ये पहला मौका नहीं है जब अमेरिका ने भारत पर दबाव डालने की कोशिश की है। इससे पहले भी भारत की ओर से रूस से सस्ते में तेल खरीदने की कोशिशों पर अमेरिका आपत्ति जता चुका है। कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दलीप सिंह ने भारत की यात्रा के दौरान कहा था कि अगर चीन LAC का उल्लंघन करता है तो भारत ये उम्मीद न रखे कि रूस उसके बचाव में उतरेगा, क्योंकि रूस और चीन के बीच अब साझेदारी की कोई सीमा नहीं है। बाइडेन के सलाहकार ब्रायन डीज ने ये भी कहा कि मॉस्को के साथ गठबंधन के परिणाम लंबे समय तक रहेंगे। एक तरफ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने इन प्रतिबंधों को मानने से इनकार कर दिया है। बल्कि भारत रूस के साथ तेल आयात करने की तैयारी में है। इस मामले में भारत की प्रतिक्रिया वॉशिंगटन के साथ उसके संबंधों को और मुश्किल में डाल सकती है। भारत को एशिया में जहां चीनी प्रभाव का मुकाबला करने में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखा जाता है, उस स्थिति में भारत का अमेरिका के खिलाफ रुख सही नहीं है। इसलिए यूक्रेन और रूस को लेकर भारत को फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।